सुबह का वक्त है, अभी सो कर उठे हैं। इस बार ना कटिंग करवाई है, ना दाढ़ी बनवाई है, कुछ भी नहीं किया। सारे लोग बाहर से सफाई कर रहे हैं, पानी वगैरह फेंक रहे हैं। मैंने कहा चलो मैं भी बाहर जल कर देखता हूँ, फिर होते हैं तैयार। फिलहाल और मेरा कज़न है, गिद्दी भी ले आया, तो बाद में आपसे तैयार त्यूर होते हैं, फिर होती है मुलाकात। जो कज़न इद्दी लेकर आया वो दिखाते हैं। फहीम है छोटा, मेरा 300 रुपये से इद्दी मिली है, इसकी आई थिंक किसी चाचू ने दी है। गांव में इद्दी वगैरह ईद करना इतनी आसान नहीं होता, क्योंकि जितने भी बेचारे मुलाजम होते हैं या फिर गांव के जो लोग होते हैं, उन लोगों ने जो भैंसों का होता है, जानवरों का होता है, वो भी ख्याल रखना, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, डिफ़िकल्टी होती है। क्योंकि सुबह सुबह जाकर जानवरों के लिए चारा लाना होता है, उन्हें पानी पिलाना होता है, उन्हें बाहर बांधना होता है। ये फ़ौरन इन्हें तो बाहर बांध दिया है, और इधर भाई चारा लेने के लिए जा रहे हैं, चारा लेने के लिए अब जा रहे हैं। तो फिर ये चारा लेकर आएंगे, जल्दी से काटेंगे, इन्हें डालेंगे, फिर ईद की नमाज़ जाकर पढ़ेंगे। बहुत ही मुश्किल है, डिफ़िकल्ट ज़िंदगी है। तो फिलहाल आपसे आगे की रूटीन शेयर करते हैं। सुबह सुबह का वक्त है, जानवरों की सफाई हो रही है सारी। अभी सुबह के एक कितने बज चुके हैं, अभी सुबह के 5:30 हुए हैं, तो ये सारे काम हो रहे हैं। अभी इधर से भी सफाई करनी है, झाड़ू वगैरह फेरने। पहले दिखाया था रेड़ा, उस पर चारा आ चुका, अब चारा कट रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, अभी चारा काट के रख लेंगे, दोपहर टाइम डाल देंगे। ये माशाल्लाह हमारा बकरे देखे, एक वीडियो में मैंने पहले भी दिखाया था, तब बहुत ही छोटा था, उसका मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा। देखे माशाल्लाह कितना बड़ा हो चुका, साथ में ये चारा खा रहा है। और इसके बाद होना है तैयार, सेवइयां खानी है, और फिर ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है। अब तकरीबन टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं, तो घर से पैदल निकल चुके हैं जाने के लिए। अभी मैं तैयार हो चुका हूँ, पैदल जा रहे हैं, क्योंकि पैदल जाने से बहुत ज़्यादा स्वाब है। अभी पास में ही मस्जिद है, तकरीबन पास में ही तो नहीं कह सकते, तकरीबन 1 ही किलोमीटर दूर मस्जिद है। जो घर से मिला इस्त्री हुआ था वो पहन लिया, क्योंकि इस बार कोई ख़रीदा तो है नहीं। और पीछे मोइज़ और हंसला दोनों बातें करते हुए आ रहे हैं कि कितनी इद्दी मिली, कितनी इद्दी मिली। जब छोटे होते थे तो मैं भी इसी तरह से बातें करता था कि कितनी इद्दी मिल गई, कितनी इद्दी मिल गई। तो फिलहाल जी अभी चलते हैं, तो मस्जिद में जाकर मुलाकात होती है। फिलहाल कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग मोटरसाइकिलों पर जा रहे हैं। मैं मस्जिद में पहुंच चुका हूं, ये मेरे पीछे लोग हैं, तकरीबन 1 किलोमीटर चल के आऊँ, ये हालत हो चुकी है पसीने की। ये रीजा में मस्जिद, अब अंदर चलते हैं, आपको भी कुछ दिखाते हैं। भी है यहाँ से अब अंदर दाखिल होना, यहाँ पर जूते उतार रहे हैं सारे, मैं भी जूते उतार रहा हूँ। Thank you.
पढ़ लिया, सबसे मिल भी लिया है, तो अभी घर को निकलने लगे हैं। मैं सबसे एंड पर हूँ, इधर खड़े हैं भाई मेरे, तो अभी निकलते हैं घर की तरफ। और मैं पहुंच चुका हूँ, बहुत मुश्किल से पहुंचा क्योंकि इस टाइम गर्मी अब ज़्यादा हो चुकी है। तकरीबन पहुंचते पहुंचते 8:30 हो चुके थे घर में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी आ चुकी है। बस गांव में इतनी ही ईद होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अब घर में खाना बनेगा, सब खाएंगे, बस ईद है, या फिर एक दो घर में मिलने के लिए चले जाएंगे जो आसपास है। बस गांव में इतनी ही ईद होती है। लेकिन आल दो रूटीन शेयर करूँगा और क्या होता है। तो जी अभी कपड़े कर लिए हैं चेंज, शर्ट पहन लिया और वाइट लाइनिंग वाला ट्राउज़र पहन लिया। पीछे सारे बैठे हुए हैं, अभी हो रही पिच, फुल तेज़ धूप है। तकरीबन 11 या 12 के दरमियान का टाइम है, लेकिन खेलना स्टार्ट करने लगे क्योंकि और कहीं किसी तरीके से टाइम पास नहीं हो रहा फिलहाल। तो जी हमारी इनिंग 9:30 शुरू हुई थी, टेस्ट मैच था, तो हमने 12:30 तक खेला, 230 रन बनाए। अब दूसरी टीम खेल रही है, ओवर करवा करवा के, बाले करवा करवा के थक चुका हूँ, बहुत ज़्यादा सांस फूल चुका है। तो उनके सिर्फ दो रह गए हैं प्लेयर, एक जो इस जोड़ी खेल रही है उस एक, उसके बाद फिर उन लोगों ने हार जाना है। लेकिन हमारे पास बॉलिंग नहीं है, दो ही बॉलर है, एक मैं हूँ या फिर दूसरा है। और इस इनिंग में 123 मेरा था, 80 एक लड़के का था, 30 बाकी लड़कों का था। तो इसके बाद हम ऑल टीम आउट हो गए। तो बस देखो अल्लाह खैर करे, मेहनत फुल कर रहे हैं, प्रैक्टिस फुल कर रहे हैं, अल्लाह पर बहुत उम्मीद है कि हमें जताएगा। बस फिलहाल बहुत बुरे हालात है पसीने की वजह से। ओए होए, अभी मैं दोपहर को सो चुका था, बहुत ही टफ मैच हुआ, तकरीबन 1 बजे तक खेला, लेकिन उनकी आखिरी विकेट टिक गई थी, वो हम आउट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हम हार गए। तो टेस्ट मैच था, तकरीबन 1 बजे तक चला, जो 10 बजे शुरू हुआ था। और पीछे जानवरों को अब पानी पिलाया जा रहा है, ये रहे जानवर वगैरह, ये कहाँ गया, ये रहा पानी रखा हुआ, और ये जानवर पानी पी रहे हैं और चारा खा रहे हैं, क्योंकि सबकी ईद हो सकती है लेकिन जानवरों की तो नहीं ना। और सब कामों पर छुट्टियां होती हैं, लेकिन जो जानवरों के कामों पर होता है इन्हें बिल्कुल भी नहीं छुट्टियां आती, क्योंकि जानवर बेचारे भूखे मरेंगे, पानी कहां से उन्हें मिलेगा। तो फिलहाल आप दोपहर के टाइम उठे हैं, भाई मेरा गेहूं में चारा काश्त करने के लिए डीज़ल आ चुका है, उधर साइड पर डीज़ल की टंकी पड़ी हुई है, और ट्रक लेने के लिए जाना है। अगर मेरा दिल हुआ तो मैं जाऊँगा वहाँ दूसरी साइड पर जहाँ पर चारा काश्त कर रहे होंगे, नहीं तो फिर क्रिकेट बाहर खेल रहे हैं सारे, तो क्रिकेट खेलेंगे। ये देखे जानवर पानी पी रहे हैं। बस कुछ इस तरह से ईद होती है गांव में। जी मैं बाहर निकला, ये मेरा कज़न है फिजान, ये भी अपने जानवरों को चारा डाल रहा है, और ये लोहरी बैठाया हुआ है, ये बड़े शौक के साथ काम कर रहा है, क्योंकि जहाँ भी इंसान रहता है ईद अपने घर में ही आकर करते हैं, इनके पापा वहाँ पर काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर ईद करने के लिए आए हुए, काम घर भी यहाँ पर ही है। देखें जी शाम का टाइम है, लोग शहरों में यहाँ पर घूमते हैं फिरते हैं, लेकिन गांव में कुछ ऐसा नहीं होता, छुट्टियाँ वगैरह नहीं होती, इस तरह सभी घरों में होता है। ओ जी मेरा भांजा रहा, और ये रहा जी हमारा ग्राउंड। मैच स्टार्ट हो चुका है, अब बॉल गई है बाउंड्री से बाहर, उठाने के लिए गए हैं, तो गर्मी आज बहुत ज़्यादा है जी। अभी आ चुके हैं घर में, आज सुबह लगाए थे 203 रन बनाने के बावजूद, 23 रन बनाने के बावजूद भी हार गए, और अब पहला हम हार गए, दूसरा जीत गए, तीसरा फिर हार गए। बस आज लक नहीं साथ थी, मेरा दोस्त आया हुआ हाफिज़, वो बैठा हुआ है, बातचीतें हो रही हैं, ये मुझसे मिलने के लिए आया, तो गपशप मार रहे हैं, तो आपसे बाद में होती है मुलाकात जी। खेल के आ चुके हैं, खेलने के बाद बहुत ज़्यादा पसीना आया था, सुबह भी उन कपड़ों में खेलते रहे, तो अब नहाया हूँ, कपड़े चेंज किए हैं, और अपने कज़न के घर गया हूँ, वहाँ पर उनसे मिला हूँ। तकरीबन अब 9 बज चुके हैं, 9 बजे उनसे, तकरीबन 8 बजे चले गए थे, अब 9 बजे वापस आया, तो वहाँ पर वीडियो का मौका नहीं मिला मेरा, आल दो
माइंड था कि वीडियो बनाऊंगा, तो लेकिन बस तरह की ईद होती है, सिंपल ही ईद होती है, इस तरह के सिंपल लोग होते हैं। बस फिलहाल आज की वीडियो में यहीं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकॉन को दबा दें, और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।